टी सीरीज से पवन भैया के वो गाना आइल बा और वो एगो म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो ये गाना ये कितना देखो तनी हमनी के भोजपुरी खातिर कितना बड़ बा, वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी से गाना रिलीज भइल बा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, भोला पार्वती पते हर 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 महादेव। तो जैसे कि भैया आप लोग वीडियो देख ही रहल बनिया कि आर्या शर्मा जो कि अपन दिल्ली वाले स्टूडियो के नया जगह पर शिफ्ट कर देले बाड़े। जी हाँ भैया, कोनो ज्यादा दूरी पर शिफ्ट नहीं कैले, बस तनी मुनी हट के एगो दूसरा जगह पर शिफ्ट कैले बाड़े और उस स्टूडियो में हर एक सुविधा जो कि भैया मौजूद बा, उपलब्ध बा, जो एगो गायक के जरूरत होला। जी हाँ, यानी कि आपके मन जो काम हो इतना बढ़िया तरीका से स्टूडियो जो कि नया बनैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग स्क्रीन पर पूरा एड्रेस देख सकते नहीं जा, नंबर देख सकते हैं जा, ए स्टूडियो में जो कि रिकॉर्डिस्ट बारे वो बारे आनंद राज जी, उनको भी उनका नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जा। इतना भी सिंगर बारे जिका भी जरूरत बा आप लोग नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जा। यानी कि वो आधुनिक सुविधा से लैस जो कि स्टूडियो के बनावल गिल बा, जहां पे हर एक गायक के सब जरूरत पूरा हो जाए। बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्टूडियो देखे में, तो आप लोग जरूर ही विजिट करी जाओ और आर्या शर्मा के आगे इंटरव्यू देखी जा कि का कहले बड़े पावर स्टार पवन सिंह के गाना लुट गए के बारे में, अपन स्टूडियो के बारे में, तो आप लोग इंटरव्यू जरूर ही देखी जा। स्टूडियो के जो नया फीडबैक है एड्रेस बता दी क्या, बहुत से सिंगर लोग के थोड़ा पुरानका स्टूडियो के पास पहुंची लोग एक्चुअली वहां से पास में ही बार हुआ के हनुमान मंदिर से जस्ट पास में हुआ के पड़ी। अच्छा, जेके भी बा हमनी के गूगल और फेसबुक हर जगह अपडेट कर देता है सब एड्रेस, और एड्रेस चेंज की आज आज पूजा बा नया वाला ऑफिस के सब रेनोवेशन भइल बा। मतलब बहुत कुछ है, जब बढ़िया व्यवस्था कल गई बा हर सिंगर खातिर, तो जैसे आगे बैठे के व्यवस्था बा, बढ़िया से रिकॉर्डिंग हुई, तो एजा हमेशा रहू अवेलेबल और के रह सकते हैं। देखिए यहाँ मैनेज में आनंद जी करेंगे सब टोटल मैनेज, और साथ ही साथ आनंद जी अच्छा अच्छा पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में है, और आगे से भी जितना भी सब वर्क होते आ रहा सेम वही प्रोसेस है। बट यही है कि मैं कभी काल ऐसे मंथ में एक दो बार आते जाते रहूँगा यहाँ पे भी, अपना दिल्ली मुंबई पटना बनारस में स्टूडियोज है, और हमेशा आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता है। तो कौन कंटेंट नंबर बात जो हम सामने स्क्रीन पर चला दे, आपके पोस्टर पे पोस्टर बा हम स्क्रीन पे चला भी दे। जी जी बिल्कुल। तो और सब का कुछ नया व्यवस्था जो देखिए पहले तो फास्ट काम होते रहा, अब डबल फास्ट काम हो। बस एक हर कलाकार की ये रहला चाह कि हमार मास्टर हमार गाना जल्दी से जल्दी मिले और अच्छा मिले। हमने का हमेशा बेहतर कोशिश रहला कि गाना जल्दी से जल्दी दीसन और बेहतर करे के, और अभी भी रुवलो के मिली इसे हमेशा प्यारा से बात हो गई। मतलब आज से काम स्टार्ट हो गया। हाँ एकदम आज से काम, आज ओपनिंग हो गई बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आज से काम स्टार्ट। और सब का कल हम नया प्रोजेक्ट के बारे में, नया प्रोजेक्ट अभी आवत है कंटिन्यू। आशिकी फिल्म में हम म्यूजिक देनी है, आशिकी के कल पोस्टर फर्स्ट लुक रिलीज भई गला, और कंटिन्यू और भी बहुत सारा मूवी आवत है जेमे अब पहले तो हम मूवी ना करते नहीं, बट अभी मूवी के भी फिल्म गाना वाना दिखल स्टार्ट कर देले बनी तर वालों के सुने और मिले देखे के। देखिए भोजपुरी में एगो बड़ा एगो देखल जाओ इतिहास चल गई बा, टी सीरीज से पवन भैया के वो गाना आइल बा और वो एगो म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो ये गाना ये कितना देखो तनी हमनी के भोजपुरी खातिर कितना बड़ बा, वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी से गाना रिलीज भइल बा। देखिए हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारा भोजपुरी इतना स्तर पे जा रहा है और बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हम लोग से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और टी सीरीज के कॉन्टेक्ट में मैं बहुत दिन से हूँ, 5 साल 4 साल हो गया मुझे काम करते हुए टी सीरीज के लिए। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है कि टी सीरीज और भी भोजपुरी के लिए अच्छा काम करेगी जहाँ तक, ऐसे तो मैं सभी कंपनियों के लिए काम कर रहा हूँ अभी, कंटिन्यू हिट्स भी आ रहा है आप लोगों के प्यार से बात से, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं और भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, और इसके सपोर्ट में भी हैं और आप लोग भी सपोर्ट करिए। तो छठ में रहू का कब आओ, तो मुझे खेसारी भैया जाएगा और क्यों भी छठ में खेसारी भैया के साथ बहुत सारा गाना आई, प्रमोद भैया के साथ आई, गंजन जी के साथ आई, लगभग सबके साथ बात जंगने कंटिन्यू रहुआ सब देखा था नहीं। और देवी गीत में काफ़ी ज़्यादा प्यार आशीर्वाद सब गाने के मिला, छठ में भी रहुआ सब बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद कामनगर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम की वीडियो दिखाऊँ जा, साथ में विजय चौहान जी भी बाड़ी, स्वागत बाप के। नमस्ते प्रणाम, चैनल के माध्यम से देखा था हमारा के सब कोई के प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या काम आज भी रहुआ आइल बनी ओपनिंग में, बड़ा बढ़िया स्टूडियो में देख के लगा। एक्चुअली ओपनिंग ना रहा ला, एड्रेस चेंज भइल ह, दूसरा जगह शिफ्टिंग भइल ह स्टूडियो के, यानी एक गली छोड़ के। तो हम हमेशा से ये कहत आ रहल बानी कि जैसे शुरू से रहुआ लोग हमनी के ऊपर प्यार दुलार आशीर्वाद बनैले बानी, ऐसा ही हमेशा बनैले रही ताकि हमनी के कुछ अच्छा कर जाओ, अच्छा प्रस्तुत कर जाओ।
तो भैया अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ बताए, अभी से मार्केट में तो दबदबा बा, हर गाना लिखल गए ना ना हिट चल बा, लोग के पसंद आ रहा बा, तब कमिंग प्रोजेक्ट का बा? अपकमिंग प्रोजेक्ट भैया बतैनी है आशिकी 2 में देखे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखल बा। अच्छा, गीत श्याम देहाती वो विजय चौहान जी आशिकी 2 में बहुत अच्छा अच्छा गाना मतलब हिट ब्लास्ट गाना आ रहा बा हमार जी। अपकमिंग में तो बहुत चीज बावे, खासतौर पर छठ में, छठ में बहुत बड़ा बड़ा गाना आ रहा बा। अच्छा, रो लोग ऐसे ही प्यार बने ले रहे। चलिए ठीक बा, धन्यवाद। तो भैया आप सब देख रहा बन जाए, आप लोग बढ़िया से दिखा देता नहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आप व्यवस्था ये सब देख लीजिए। अरे यार रिकॉर्ड्स दिल्ली, अरे यार रिकॉर्ड्स दिल्ली, नया एड्रेस हम आप लोग के सामने एड्रेस भी दिखाई, पोस्टर हम पूरा दिखाई, फिलहाल आप लोग अंदर का नज़ारा देख लीजिए। दिलवा